अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआरके न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीला। नाजरीन, आज हमारे एसआरके न्यूज़ चैनल के नुमाइंदों ने मशहूर सोशल वर्कर मोहतरमा जबीन शाह से खुसूसन मुलाकात करते हुए कोरोना वबा से बचने के लिए मशवरा हासिल किया है। आइए देखते हैं मोहतरमा जबीन शाह सोशल वर्कर आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रहमत और मोहम्मद कलीम की तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसआरके न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम पहुंचे हैं सोशल एक्टिविस्ट जो कि बहुत मशहूर है, जबीन शाह मैडम। आइए इनकी ज़ुबानी मालूम करते हैं कोरोना से रिलेटेड कुछ अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जबीन शाह जी। कोरोना के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मास्क पहनें और सैनिटाइज़र यूज़ करें, आराम से घर में रहें, क्योंकि ये लगातार बड़ी तेज़ी से सारे हिंदुस्तान में नहीं सारे वर्ल्ड में फैल रहा है। और एहतियात बरतें और मैं ये गुजारिश करूँगी अपने आवाम से कि जो यंगस्टर्स है, जवान लड़के हैं, जो सारे सारे बाहर जा रहे हैं, वो घर में रहें, पुलिस वालों को कोऑपरेट करें। पुलिस जो है बहुत ही परेशान हो रही है, जवान बच्चों को लेकर गाड़ियाँ सीज करना पड़ा है। मैं सारे हिंदुस्तान के वालदैन से भी ये बोलूँगी कि अपने अपने बच्चों को अपने अंडर कंट्रोल रखें, घर के बाहर जाने ना दें। ये बस चंद ही दिन की बात है, थोड़े दिन में इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। और गरीब आवाम जो बाहर सो रही है, बाहर बिना खाए बैठ रही है, उन सबको मैं ये गुजारिश करती हूँ कानून से और केसीआर साहब से, गरीब तबकों को खाना पहुँचाए। वैसे तो कभी नहीं कर रहे हैं, दवाखानों में जा रहे हैं, माशाल्लाह जो गांधी हॉस्पिटल में गए हैं, खुद की तबीयत ख़राब होती है। आई प्राउड ऑफ हिम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इतनी बड़ी हस्ती होकर भी सीएम होकर भी वो गए हैं गांधी हॉस्पिटल में, सारे कोविड पेशेंट से बातचीत की। और यही बात है, आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि ये देखिए जो कोविड आया है, कोरोना वायरस जिसे बोल रहे हैं, वो मजहब तक पर नहीं आया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वो देखे नहीं आया, बस वो आ गया। अब हमारा काम है कि उसको कंट्रोल करें, एक दूसरे का साथ दें, उसमें हिंदू या मुसलमान ऐसा ना हो, सब एक दूसरे को ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के पास जाएँ, खिलाएँ पिलाएँ। जो सुबह के चार घंटे में जो वक्त निकाल कर दिया है हम लोगों के, जाओ खरीदी फरूख करो, उसके बाद हो गया ना, घर में अंदर आओ, ठीक है। और बस यही मैं आप सबको बोलूँगी, जो बच्चे गैर ज़रूरी बाहर निकल रहे हैं, जो पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, इनको आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो बच्चे कम तो करें, अभी बाहर ना जाएँ, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। पुलिस वाले ये नहीं चाहते कि कोविड कहीं कोविड जो फैल रहा है तेज़ी से वो ना फैले, तो पुलिस वालों के साथ आप सब मिलकर कॉपरेट करें ना। अभी उनको ये मौका ही ना दो कि गाड़ी सीज कर लो। हाँ ये बताओ कि हाँ फलाने जगह ज़रूरत के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये ज़रूरत है, ये चीज़ है, ये दवाखाना है, या फिर हम रहते हैं नहीं, घर में कोई भी ख़ास ज़रूरत होती है तो उसे पूछो। ऐसा भी ये भी जुर्म ना करें कि पुलिस गाड़ियाँ जब्त कर रही है। तो अब देखिए, पहले तो कोविड में लोग परेशान हैं, हाँ बाहर काम नहीं मिल रहा है, काम खुद जा नहीं पा रहे हैं, फिर उसके बावजूद ये लोग गाड़ी सीज़ कर रहे हैं, गाड़ी जो सीज़ कर रहे हैं तो फिर वो छुड़वाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा बंदा। तो ये थोड़े से मैं हुकूमत से यही बोल रही हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ी सी नरमी बरत दें और अपने लोग भी है ना थोड़ा सा अंदर रहें, घर में रहें, बाहर ना निकले, छतों पर ना बैठें, बाहर ग्रुप बना के ना बैठें, चबूतरों पर आज भी बैठें। ये ख़त्म कर दो, कोविड इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा हमारे मुल्क से इंशाल्लाह। बस मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी है ना एहतियात बरतें, सोशल वर्कर्स को भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो ठीक है आप कानून वाले ही काम करो। मैं एसआरके न्यूज़ चैनल नच्चे लाइक चेयर चेयर सब्सक्राइब चेयर।